तो पब्लिक आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स में स्मार्ट गेगा के लैग को बिल्कुल फिक्स कर सकते हो। पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गेम कुछ इस तरीके से चल रहा था, लेकिन सेटिंग अप्लाई कर लेने के बाद अब मेरा गेम कुछ इस तरीके से जो है वो चल रहा है। इस वीडियो में मैं मेनली वो सेटिंग बताऊंगा जिसको मैंने खुद अप्लाई किया है और उसके बाद रिजल्ट आपके जो है वो सामने है। ये वीडियो ओनली स्मार्ट गेगा के ऊपर बेस्ड है। इस वीडियो की हर की गई सेटिंग ओनली स्मार्ट गेगा के ऊपर बेस्ड है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके FPS जो है वो बिल्कुल डबल हो जाएंगे। तो इधर हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके, तो सबसे पहले आपने अपनी विंडो की एक्स्ट्रा सर्विसेज को बंद करना है। तो इसके लिए आपने डिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। इधर आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, इधर जितनी भी सेटिंग है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक कर दो। शो थंबनेल इनसाइड आइकन के ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करो एंड हिट ओके। अब आपको अपनी विंडो की एक्स्ट्रा सर्विसेज को बंद करना है। तो इसके लिए आपने जाना है अपने विंडो के सर्च बार में। इधर आपको टाइप करना है सर्विसेज। सर्विसेज को यहाँ पे लॉन्च करो। सर्विसेज में यहाँ पर आपको डी का बटन प्रेस करना है। इधर आपको डिलीवरी ऑप्टिमाइज्ड मिल जाएगा, इसको स्टॉप करो। स्टॉप करने के बाद यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक होगा डिसेबल के ऊपर क्लिक करो, अप्लाई एंड ओके। उसके बाद आपको बी प्रेस करना है, बैकग्राउंड ट्रांसफर इंटेलिजेंट ये ऊपर दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करो। इसको भी डिसेबल कर दो यहाँ से, डिसेबल अप्लाई एंड ओके। उसके बाद आपको डब्ल्यू प्रेस करना है। इधर आपको विंडोज अपडेट मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो, डिसेबल अप्लाई एंड ओके। उसके बाद यहाँ पे एस प्रेस करना है। इधर आपको सुपरफाइज जीरो करके सर्विस दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक करो, इसको भी डिसेबल कर दो, अप्लाई एंड ओके। उसके बाद आपको डब्ल्यू प्रेस करना है। इधर आपको मिल जाएगा विंडोज सर्च, इसके ऊपर भी क्लिक करो, अप्लाई एंड ओके। एंड देन आपको विंडो प्लस और प्रेस करना है। वंडा आप सर्च बार पे भी आर यू एन लिखोगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इधर आपको सर्च करना है एमएस कॉन्फिग, हिट ओके। इधर आपको जाना है सर्विसेज में, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज के ऊपर क्लिक करो। इधर से आपने करना है कि सबको डिसेबल कर देना है। डिसेबल कर देने के बाद अब अपने अकॉर्डिंग जो सर्विस है उसको ऑन कर लो। लाइक यहाँ पे मेरा एपिक का एंटी चीट चल रहा है, मैं इसको ऑन रखूंगा। तो जो सर्विस आपको नहीं चाहिए अप्लाई एंड ओके के ऊपर क्लिक कर दो। उसके बाद आपको विंडो प्लस और प्रेस करना है। एंड देन यहाँ पर आपको टाइप करना है परसेंटेज टेम परसेंटेज एंड हिट ओके। इधर जितनी भी फाइल्स हैं सबको डिलीट कर दो, जो डिलीट नहीं होती फोर्सफुली डिलीट नहीं करना। विंडो प्लस और प्रेस करें, फिर से टाइप करें टेम्प एंड हिट ओके। जितनी भी फाइल्स है सबको डिलीट कर दो। विंडो प्लस और वंस अगेन प्रेस करें एंड अब टाइप करें प्रीफेच। इधर भी जितनी भी फाइल्स हैं सबको डिलीट कर दें। लास्ट टाइम आपको फिर से विंडो प्लस और प्रेस करना है एंड अब आपको टाइप करना है परसेंटेज एप डाटा परसेंटेज। एंड देन यहाँ पर आपको ओके के ऊपर प्रेस करना है। स्मार्ट गेगा का फोल्डर दिख रहा है, इसको डिलीट कर दो। डोंट वरी, इसका आपको कोई पर्सनल विंडो से कोई भी लेना देना नहीं है, इसको आपने डिलीट करना है। अब आपने अपने सिस्टम का रिस्टोर पॉइंट डिसेबल करना है, क्योंकि इससे आपका सिस्टम जो है ना ऑटोमेटिकली रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करता है, जिससे आपका लोड सिस्टम पे बढ़ता है। तो इसके लिए आपने दिस पीसी पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। इधर से आपने जाना है सिस्टम प्रोटेक्शन में, कॉन्फिगर के ऊपर क्लिक करना है एंड ये जो लाइन है इसको बिल्कुल जीरो पे सेट कर दो। जो आपने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया था उसको डिलीट कर दो। रिस्टोर पॉइंट सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, इसको कट करो। डिसेबल के ऊपर क्लिक करो, अप्लाई यस के ऊपर क्लिक करो, ओके एंड ओके। नेक्स्ट स्टेप को करने के लिए माय कंप्यूटर के अंदर जाएं। यहाँ पर आपको जो लोकल्स हैं आपके सिस्टम की वो शो हो जाएंगी। जिस भी लोकल में आपने विंडो इंस्टॉल करके रखी उस पर राइट क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं। यहाँ पर आपने टूल्स के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड के ऊपर क्लिक करना है। जिसमें आपकी विंडो पड़ी हुई है लोकल सी है मेरे केस में, तो इसमें आपने एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपका एनालाइज करेगा तो 0.1% तक ये फाइंड करेगा, जिसको ये खुद ही जो है वो यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपने ऑप्टिमाइज्ड के अंदर चले जाना है। इसको ऑप्टिमाइज्ड होने में भी यहाँ पर आपको 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। ये आपके सिस्टम की जितनी भी फाइल्स है उनको एक तरतीब में ला के सेट कर देगा, जिससे आपका बहुत हद तक लैग फिक्स हो जाएगा। एंड जब आप अपनी सिस्टम की सारी सेटिंग को जो है वो यहाँ पे कम्प्लीट कर लें, उसके बाद आपने राइट क्लिक करके अपने जाना है डिस्प्ले सेटिंग में। इधर आपको एक ऑप्शन मिलता है रेजोल्यूशन करके, इसके ऊपर राइट क्लिक करो। एंड यहाँ पर अगर आपका सिस्टम बहुत ही ज्यादा लो एंड है तो यहाँ पे 800 एंड 600 वाली रेजोल्यूशन सेट कर लो। ये एक ऐसी सेटिंग है जो कोई भी नहीं आपको बताएगा, लेकिन एक चीज याद रखें, इसको करने से आपके सिस्टम के जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है। ये सारी सेटिंग का लेने के बाद अब हम अपने सिस्टम के अंदर खुद का जो है वो पावर प्लांट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपने जाना है विंडोज के सर्च बार में। इधर आपने लिखना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को यहाँ से लॉन्च करें। इधर से आइकॉन्स के ऊपर क्लिक करके स्मार्ट आइकॉन्स के ऊपर क्लिक करें। विंडोज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इधर आपने क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू प्लान के अंदर। इधर आपने हाई परफॉर्मेंस सेट कर देना है एंड देन इसका कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ पर आपने दोनों वैल्यूज को नेवर कर देना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिस्टोर पॉइंट है वो हमारा सेट हो चुका है, इससे हमारा जो सिस्टम है वो हाई परफॉर्मेंस पे रहेगा। तो अब हम जो है अपने सिस्टम के अंदर ड्राइवर्स को अपडेट करेंगे। तो ड्राइवर्स को अपडेट करना बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पर हम ड्राइवर बूस्टर का यूज करेंगे एंड जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपने ड्राइवर्स को अपडेट करेंगे। ये एक पूरी वीडियो बनती है, इसके ऊपर
पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, तो ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन होगी। अब स्मार्ट गेगा के केस में स्मार्ट गेगा 9 एंड 10 पे बहुत ही ज्यादा कंपेटेबल चलता है, तो उसको भी इसमें जो है वो अपडेट कर देगा, तो आप इस वीडियो को जरूर से वॉच करें। अब यहाँ पर हम अपनी सिस्टम की सेटिंग करेंगे। आपने विंडोज के सर्च बार में जाना है, इधर आपको सेटिंग का आइकन दिख जाएगा, इस सेटिंग के अंदर जाएं एंड यहाँ पर जितनी भी सेटिंग है मैं बारी बारी आपको सबको जो है वो दिखाने वाला हूँ, तो आपने मेरी वाली सेटिंग को कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट आपको ये भी जान लेना है कि स्मार्ट गेगा का वेस्ट वर्जन कौन सा है। देखिए स्मार्ट गेगा के जो नॉर्मल वर्जन आते हैं जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है वो आपको यूज नहीं करने, वो बहुत ही ज्यादा हाई एंड है। स्मार्ट गेगा जो ओल्डर वर्जन आते हैं लाइक स्मार्ट गेगा रेड वाला जो 1.1 है जो कि इसी वीडियो में मैंने यूज किया है, और ये जो स्मार्ट गेगा 1.1 है ये सपोर्ट करता है एंड्रॉइड 4 को। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब जो स्मार्ट गेगा का आइकॉन है उस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, इधर कंपैटिबिलिटी में जाओ। अब ये जो सेटिंग है ये स्मार्ट गेगा के सारे वर्जन में वर्क करेगी। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करो, विंडोज 7 पे सेट करो। यहाँ पर आपने डीपीए के अंदर जाना है, सिस्टम इनहेंस, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, डिसेबल फुल स्क्रीन, अप्लाई एंड ओके। उसके बाद अपने स्मार्ट गेगा को लॉन्च करो। जब आपका स्मार्ट गेगा लॉन्च हो जाए तो उस पर राइट क्लिक करके अपनी टास्क मैनेजर में जाएं। इधर आपको जो स्मार्ट गेगा 32-bit दिख रहा है उस पर राइट क्लिक करके गो टू डिटेल्स में जाएं एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटंस दिख जाएगा, इस पर राइट क्लिक करें, इसकी प्रायोरिटी में जाएं, इसको हाई पे सेट कर दें। ये आपके सीपीयू के ज्यादातर परफॉर्मेंस जो है वो प्रोजेक्ट टाइटन को देगा, जिससे आपका स्मार्ट गेगा बहुत ही स्मूथ चलेगा। अब हम स्मार्ट गेगा की बेस्ट सेटिंग देखने वाले हैं। स्मार्ट गेगा की सेटिंग के अंदर जाएं, इधर आपको जाना है एडवांस के अंदर एंड यहाँ पर आपको क्लिक कर देना सबसे लो एंड पॉसिबल वाली रेजोल्यूशन में। लेकिन अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपने जाना है कस्टमाइज में 800, 600 एंड 300। उसके बाद यहाँ पे कोर्स की बात करें तो ओनली 1 कोर दे देना है। इसी के बाद अगर रैम की बात करें तो स्मार्ट गेगा को में फ्री फायर को चलाने के लिए आप यहाँ पे 1GB रैम सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन यहाँ पे 2GB रैम सेलेक्ट कर सकते हो, ये वैल्यूज मोर देन इनफ है। उसके बाद यहाँ पे रेंडरिंग मोड ऑलवेज जब ओपन जीएल पे रखो, डायरेक्टएक्स पे आप रख सकते हो लेकिन ये थोड़े हाई एंड सिस्टम के लिए आता है। गेम्स के अंदर 720p एंड नॉर्मल, सेव के ऊपर क्लिक करें एंड रीस्टार्ट नाउ। अब नेक्स्ट जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक मेथड है। अगर आप स्मार्ट गेगा यूज कर रहे हैं उसमें आपको गूगल प्ले स्टोर मिलता है तो उसको ऑलवेज डिसेबल रखें। गूगल प्ले स्टोर को बंद करने के लिए आपने अपनी विंडो की सेटिंग में जाना है, इधर आपको एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करें एंड यहाँ पर आपने 3 डॉट्स के ऊपर जाना है, ऑल एप्स का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो ये वर्जन यूज कर रहा हूँ इसमें गूगल प्ले स्टोर है ही नहीं, तो गूगल प्ले स्टोर जो आपको दिखे उस पर क्लिक करो एंड यहाँ पर डिसेबल के ऊपर क्लिक कर दो। ये गूगल प्ले सर्विस है, गूगल प्ले स्टोर को भी आपको ऐसे ही डिसेबल करना है, ठीक है। ये सारे स्टेप कर लेने के बाद आपने जो वीडियो के स्टार्टिंग में गेम प्ले देखा था, इम्प्रूवमेंट देखी थी, वो भी इसके बाद ही हमने जो है वो रिकॉर्ड की थी। बाय द वे इस वीडियो के एंड के अंदर अपने सब्सक्राइबर भाइयों के लिए एक छोटी सी टिप है। टिप ये है कि अगर आप अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को बिल्कुल ही इनहेंस करना
करना चाहते हैं तो आप मेरी वाली विंडो यूज कर सकते हैं जो कि है विंडोज 10 2017 वर्जन। ये वर्जन वन ऑफ द बेस्ट वर्जन है। इस वर्जन की बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। इसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, ये लैग नहीं देती और ये लाइट वेट है। अगर आप मेरी वाली विंडो ही जो मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विंडोज 10 की भी वीडियोस होगी, वो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा एंड बेस्ट सेटिंग भी मैंने उसमें बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।